English, Kashyapa from class 12. I will explain the chapter that Revenge is French. What would your mom say if you took insect for worms to bed? आप अपने बेड पर इंसेक्ट को रखोगे तो आपकी मम्मा क्या बोलेंगी? यही तो बोलेंगी, ये इंसेक्ट को यहाँ से हटाओ, ये क्या रख रहा है? What would your dad say if you hit in a chicken house for hours? आप अपने घर पर छोटी छोटी चिकन को रखोगे तो आपके पास कुछ घंटों तक तो आपके पापा क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे, क्या क्या रख रहा था ये, भगाओ उसको यहाँ से। A little girl who grew up in England did these things. एक छोटी सी लड़की इंग्लैंड में बड़ी हुई। Her name was Jenny Goodall. उसका नाम जेनी गुडॉल। She was born of April 3, 1964. उसका जन्म 3 अप्रैल को हुआ था 1934 को। जेनी लव्ड एनिमल्स फ्रॉम हर वेरी अर्ली डेज। उसको जानवर से बहुत प्यार था और वो कभी कभी अपने घर पर जानवर ले आती थी। When she was a baby, she slept with a toy chimpanzee. उसके पास एक बच्चा चिंपैंजी एक टॉय था। She was 2 years old. वो दो साल की थी। सी इज अर्थवर्म अंडर हिज पिलो। अर्थवर्म उसके तकिए के नीचे छोटे छोटे अर्थवर्म थे। She wanted to see what they did and died. वो देखना चाहती थी रात में ये क्या करते हैं। When she was 4 years old, उसने 2 साल तक ऐसा बोला। My name is Kendall Gupta. I will explain the chapter 12 chimpanzees. He began watching chimpanzees on a reserve in Tanzania. वो chimpanzees को reserve Tanzania में देखती रही। Jane would go there daily and watch the chimps for long hours. जो Jane थी वो chimpanzees को बहुत घंटों तक देखती रही। She would wait for them to come to her. वो wait करती रही कि chimpanzees उसके पास कब आएंगे। She wanted them to be friends with her. वो चाहती थी कि वो उनके friends बने। At last the chimps start coming to her without any fear. आखिर में वो जो chimpanzees थे उसके पास आने लगे बिना डर के। जेन वॉच द चिम्स फॉर मैनी ईयर। जो जेन थी वो चिंपैंजी को बहुत सालों तक देखती रही। शी सॉ बेबी चिम्स टू ग्रो अप एंड स्टार्ट फैमिली ऑफ देयर ओन। उसने चिम्स तब छोटे थे और बड़े होते गए तब उसके फैमिली बन गए। वो उन्हें तब तक देखती रही। शी न्यू एट चिम्स फ्रॉम एट फेस। वो जानती थी कि उनके फेस से कि कौन सा चिम्स कौन सा है। She even gave dance name. उसने चिम्स के उनको नेम भी दे दिए थे। She learned how chimpanzees behave. उसने सीखा कि chimpanzees कैसे behave करते हैं। She learned what they eat. उसने सीखा कि वो क्या खाते हैं। My name is Sisti. I will explain chimpanzees chapter. She learned how they take care of their babies. उसने ये भी लर्न कर लिया कि चिंपैंजीज अपने बेबीज का कैसे ख्याल रखते हैं। शी सॉ हाउ दे गेट अलोंग विद अदर चिंपैंजीज। नोट्स हेल्प्ड मेनी स्टूडेंट्स एंड साइंस। उसने उन नोट्स को स्टूडेंट्स को और साइंटिस्ट को दे दिए। दे रीड हर नोट्स एंड लर्न हाउ एनिमल्स बिहेव। वो भी लर्न करना चाहते थे कि एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं। नाउ वी नो मैनी थिंग्स अबाउट चिंपैंजी। माय नेम इज नव्या अग्रवाल। टुडे आई एम टेल चैप्टर चिंपैंजीज फ्रेंड्स। दे लुक वेरी मच लाइक ह्यूमन स्प्रिंग। वो बिल्कुल ह्यूमंस जैसे दिखते हैं। They use their hands and legs to walk on the ground.
वो अपने हाथ और पैर यूज करते हैं चलने के लिए। बट दे कैन ऑल्सो वॉक अपराइट लाइक मैन, लेकिन वो मैन की तरह चलते हैं। दे लिव इन फैमिली ग्रुप्स, वो एक फैमिली ग्रुप में रहते हैं। दे लव देयर यंग वंस, वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। एंड टेक गुड केयर ऑफ देम, और उनका ख्याल भी रखते हैं। चिम्स आर इंटेलिजेंट एनिमल्स, चिंपांजीज एक इंटेलिजेंट एनिमल्स हैं। दे आर केबल ऑफ यूजिंग सिंपल टू, केबल ऑफ यूजिंग सिंपल टू, वो एक औजार होते हैं उसका यूज करना जानते हैं। Here you see a chimpanzee stroke or termite. आपने देखा होगा कि चिंपैंजी अपने गुफा में termite हैं। And in fact, chimpanzee